खाली ले आओ खाली देने छोड़ दे तो खाली मत छोड़ हमारे आश्रम का नाम बजरंगदास बापा सेवा ट्रस्ट है। ये रामेश्वरम में स्थित 7 सैनदी स्ट्रीट रामेश्वरम है, समुद्र और मंदिर के सेंटर में है। हमारे यहाँ मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर 09443121051 है। जिस व्यक्ति को भी यहाँ आना हो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की तकलीफ हो रामेश्वरम में उसके लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनकी सेवा के लिए हाजिर रहूँगा। और जनता से मेरा यही विश्वास है, भगवान में श्रद्धा है, माँ बाप की सेवा करो और अच्छे कार्य करो, तीर्थ में आकर के कोई नया संकल्प लेके जाओ, कोई व्यसन छोड़ के जाओ, मेरा यही विचार है आप लोगों से। 12 साल में कुंभ मेला आता है, अभी जो कुंभ मेला गया वो इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में हमको जो है साधु समाज ने श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर की उपाधि दी हुई है, इसलिए गवर्नमेंट हमको जगह देती है, पानी की सुविधा करती है, हम वहाँ जा करके संतों की सेवा करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। रोज़ प्रसाद बनता है, 2000 भक्तों को रोज़ प्रसाद की व्यवस्था रहती है, गर्म पानी की व्यवस्था रहती है, चाय नाश्ते की व्यवस्था रहती है। कुंभ मेले में जाकर 12 वर्ष में कुंभ आता है, उसके हर कुंभ में हम हाजिर होते हैं। इसके बाद अब आएगा नासिक में, उसके बाद आएगा उज्जैन में, उज्जैन के बाद फिर हरिद्वार में महाकुंभ आएगा। महाकुंभ में हमारा कैंप लगता है रामेश्वरम धाम शिविर के नाम से। हमारा नाम मुरलीधर है, मैं रामेश्वरम में जन्म लिया है और हमने इस रामेश्वरम मंदिर है ये तो 1000 साल का पुराना है। ये इसका हिस्ट्री क्या है आपको, ये राम जी ने लंका गया, लंका जाकर रावण को मारा था, इसी कारण उनको ब्रह्मगति दोष हो गया, वो दोष निवृत्ति होने के लिए रामेश्वरम आके पूजा करना करने पड़ेगा करके वेद मुनि ने बोला था। और रावण बहुत बड़ा शिव भक्त भी था, इसलिए शिव जी को पूजा करने से पाप निकलेगा करके, ब्रह्मगति दोष निकलेगा करके बोला था। इसलिए राम जी यहाँ पर आके पूजा करने के लिए हनुमान जी को कैलाश भेजा था। जब हनुमान जी कैलाश गया तो शिव जी तपस्में था, पूजा में था, इसलिए उन्होंने तुरंत लिंग लेके नहीं आ सकती, उन्होंने थोड़ा देर रुक के लिंग लेके आया था। जब तक यहाँ पर जो एसपी सिस्टम है, जो मुहूर्त का काल है, वो देर होता था, सीधा माता ने केल केल के मट्टी में लिंग बनाया था। तो राम जी ने बोला इसी को स्थापित करके, इसी को पूजा करें करके स्थापित करके पूजा किया था। उस टाइम पूजा करने के समय हनुमान जी आ गया, हनुमान जी ने बोला हमने इतना दूर गया है लिंग लेके आने के लिए तो आप इसको पूजा करते हैं, ये क्या बात है करके भाई, और इसको निकालिए करके। तो राम जी ने बोला है हमने स्थापित करने के बाद में हम हटाने का ताकत नहीं है, यदि आप चाहता तो करो। तो हनुमान जी उनका पीछे से पूछ है बांध के निकलने का कोशिश किया, पूछ काटा है, लिंग नहीं निकला है। फिर हनुमान जी को शांत कर हमने इस लिंग को स्थापित किया, पूजा किया, फिर भी पहले तुम्हारे लिंग को बुझा होगा, जो लोग आते हैं तुम्हारे लिंग को दर्शन करके हमारे लिंग को दर्शन करने से फल मिलेगा करके, इसलिए पहले काशी विश्वनाथ को पूजा होते हैं जो हनुमान जी लाया मूर्ति, और उसके बाद में रामेश्वर जी को पूजा होते हैं। जो लोग आते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करके फिर रामेश्वर जी दर्शन करने से फल मिलेगा। ये लिंग कैसा बनाया इसका चरित्र है, इतना बड़ा मंदिर कैसा बनाया, यहाँ पर क्या पतंजलि महर्षि था, उन्हीं ने रोज इस लिंग को पूजा करता था। पूजा करने के क्या है, वो जो लिंग है मट्टी के नीचे था, उनका आधा शरीर सर्प के आधा शरीर मनुष्य के, इसलिए उनका कूदने का ताकत नहीं था।